Hello friends, welcome back to our channel Biologic Studies, and today we will be studying about the tricks for genetics. Genetics ke questions ko solve karne ke liye simple si tricks bataungi main, and today I will start with the microbial genetics. Ab simple si baat hai ki microbes apna DNA replicate karenge, right? Apne DNA ko transfer karenge, ठीक है, क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करना है. बैक्टीरिया हमें भी इन्फेक्ट करता है और उस क्या करता है, बेसिकली अपना जीनोम हमारे अंदर डालता है. ठीक है, सेम एज द वायरसेस, वायरस भी क्या कर रहा है, वायरस भी अपना डीएनए हमारे, वायरस को कोई मतलब नहीं है, वायरस को नहीं है कि मतलब उसको आपको डिजीज देनी है, राइट? वायरस को बस रेप्लीकेट करना है, एंड रेप्लीकेट करके अपनी ही कॉपीज बनानी है, अपनी ही अपने लिए घर ढूंढना है उसको बेसिकली. ठीक है, तो जहां पे मेरा बैक्टीरिया वायरसेस की बात आएगी, जहां मेरे वायरसेस की बात आएगी, तो दैट इज ट्रांसडक्शन. ठीक है, एंड वेयर बैक्टीरियाज, इनको मैं यूज कर रही हूं, तो इनको मैं बोलूंगी कॉन्जुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ये हम लोगों ने काफी जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में यूज किया हुआ है इनको. ठीक है, कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, इन सब के बारे में हमें पता है. ठीक है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा बहुत बेसिक सा आपको बता दूंगी कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली कर क्या रहे हैं, कि मतलब जीन की मैपिंग कैसे हो रही है जब वो अपना डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से जहाँ पे ये कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे सिंपली बैक्टीरिया अपना डीएनए, ठीक है, इन द जो इसका प्लाज्मिड होता है, ये उसको ट्रांसफर कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया में. ठीक है, और ये डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में देखेंगे. पहले पढ़ लेते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है. ये सेकेंड स्टेप है. इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मेरा जो जो बैक्टीरिया है, इसके पास ये है फर्स्ट इमेज, ओनली दिस वन. ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया, ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला बैक्टीरिया है, इसके पास एक इसका क्रोमोसोमल डीएनए है और एक प्लाज्मिड डीएनए. प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके पास, और उसमें से एक फैक्टर होता है फर्टिलिटी फैक्टर, एंड इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड. क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड. ठीक है, सो बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एफ पॉजिटिव, एंड बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, बस क्रोमोसोमल डीएनए ही प्रेजेंट है और प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, इसको मैं बोलूंगी एफ माइनस. तो एफ पॉजिटिव क्या करेगा, अपना डीएनए प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा एफ माइनस को. ठीक है, वाया कॉन्जुगेशन. हाउ दिस हैपेंस, बेसिकली जेनेटिक ट्रांसफर ही हो रहा है. एफ प्लाज्मिड के पास एक वो होता है, प्रॉपर्टी होता है कि ये सेक्स पिलाए बना सकता है. ठीक है, इसने एक सेक्स पिलाए बनाया, जिससे कि इसने क्या किया, अपना प्लाज्मिड यहाँ पे, प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, अब जब इसने एक स्ट्रैंड ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोगों ने इतने सारे मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन पढ़े हैं, और हमें पता है कि हमारा बैक्टीरिया इतना समझदार है कि वो हमारा एक प्लाज्मिड बना लेगा, तो इसने प्लाज्मिड बना लिया. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एफ पॉजिटिव ने, अगर मेरे पास यहाँ पे जीन्स हैं, अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जीन्स है मेरी ए बी सी डी ई करके, ठीक है, तो एक टाइम तक इसने, तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि पहले ई जाएगी, पहले ई जाएगी, फिर डी जाएगी, फिर सी जाएगी, फिर बी जाएगी, फिर ए जाएगी, राइट? ऐसा ही सीक्वेंस जैसा यहाँ से जा रहा है, वैसा ही सीक्वेंस यहाँ पे आएगा ना. ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा. रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ, यहाँ से कुछ क्लीव हुआ, यहाँ पे जाके अटैच हो गया, यहाँ से कुछ क्लीव हुआ, यहाँ पे जाके अटैच हो गया. रिकॉम्बिनेशन सिंपल सी चीज है, वो तो होगी. ठीक है, डन. अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कॉन्जुगेशन जैसे होता है. लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, कि यहाँ पे बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं. ये कैसे बन रहे हैं, कि ये है हमारा एफ पॉजिटिव,
प्लाज्मिड, ठीक है। और हमारे पास एक यहाँ पे इस प्लाज्मिड ने क्या किया है कि यहाँ पे ऐसा रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि एफ प्लाज्मिड ने अपना ये वाला स्ट्रैंड इसको दे दिया है, तो यहाँ पे एफ पॉजिटिव स्ट्रैंड, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बोल रही हूँ एच एफ आर, ठीक है। अब क्या होता है जब ये सेक्स प्लाय बनता है, ठीक है, जब ये सेक्स प्लाय बनता है तब ये प्लाज्मिड यहाँ से क्लीव करेगा और ये दूसरे वाले स्ट्रैंड को दे देगा, रेसिपेंट न्यूक्लियाई को दे देगा, ठीक है। लेकिन ये इतनी देर के लिए प्लाय बना नहीं रहता कि मतलब पूरा डीएनए यहाँ से जाएगा। अब अगर मेरे को इस वाले बैक्टीरियम का के जीन्स को मैप करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू मैप इस वाले बैक्टीरियम का जीन सीक्वेंस या फिर जीन ऑर्डर मेरे को देखना है, ठीक है। तो मैं कैसे देखूंगी जीन ऑर्डर कि यहाँ पे फर्स्टली ये जा रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद इसके जीन्स जा रहे हैं, राइट। तो अब अगर ये बीच में टूट भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये पिलाए मेरा 100 मिनट तक लाइव रहता है, ठीक है, 37 डिग्रीज पे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब अगर मैंने इस पिलाए को ट्रांसफर करने दिया है टिल 5 मिनट्स और 5 मिनट में मैं देख रही हूं कि यहाँ पे ए और बी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, फिर मैंने देखा 10 मिनट्स पे, 10 मिनट्स में मैंने क्या देखा कि बी सी एंड 10 मिनट्स तक मूव किया एंड मैंने देखा यहाँ पे बस ए बी आया था, यहाँ पे ए बी सी डी आ गया, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट 15 मिनट्स में ए बी सी सॉरी डी एंड ई आ गया, ठीक है। तो मैं इससे इसकी सीक्वेंस बता सकती हूँ कि यस इस वाला जो जीन है यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी सी डी ई, राइट। बस इसी को यूज किया जाता है फॉर जीन मैपिंग, होप समझ आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैगमेंटेड डीएनए लिया है, ठीक है, फ्रैगमेंटेड डीएनए लिए हैं, ठीक है, इनको मैंने डाल दिए हैं रेसिपेंट का क्रोम, ये हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये रेसिपेंट सेल है और रेसिपेंट सेल ये डोनर डीएनए का डोनर सेल का फ्रैगमेंट्स को टेकअप कर लेगा, ऐसे ही टेकअप कर लेगा, ठीक है, इसको मतलब कुछ प्लाज्मिड वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब रिकॉम्बिनेशन होगा बिटवीन, अगर इसका और इसका कुछ ना कुछ पार्ट सेम होगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये कर देगा रिकम्बाइन, ठीक है, रिकम्बाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगे, अगर इसकी जीन इसने ले ली है, ठीक है, इसका मतलब इस वाले क्रोमोसोम ने इसकी जीन, इस वाले क्रोमोसोम की जीन ले ली है, तो मतलब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, हर जगह वही यूज होगा, ठीक है। सेम गोज फॉर द ट्रांसडक्शन, इसमें भी हम लोग जीन मैपिंग ऑर्डर देखते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, वन इज जनरलाइज्ड एंड अनदर वन इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, सॉरी जनरलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड होता है एंड स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड इज सीन इन लाइटिक साइकिल, जहां पे क्या हो रहा है, वायरस अपने आप को सेल में डाल रहा है एंड सेल को बर्स्ट ओपन कर रहा है। जब सेल को बर्स्ट ओपन कर रहा है तब कुछ बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जो है वो उस वायरस के साथ जा रहा है, ठीक है, ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल में उसके साथ चला गया, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम लोग कि ट्रांसडक्शन हुआ, कि बैक्टीरिया का क्रोमोसोम जब इसने अपना अनवाइंड किया, लेट मी शो यू हियर, ठीक है, यहाँ पे इसने बस्ट ओपन कर दिया, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये फाज का डीएनए है। अब कुछ ना कुछ ये रिकम्बाइन हो गया, ठीक है, डीएनए है, रिकम्बाइन तो कर ही सकता है, ठीक है, रिकम्बाइन किया इसने और जब नेक्स्ट फाज को इसने इन्फेक्ट किया तब इसने ये वाला डीएनए नेक्स्ट वाले फाज को दे दिया। अब ये वाला फाज जाके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, क्या हुआ इससे, इसका बैक्टीरिया का भी कुछ
बैक्टीरिया डीएनए भी किया कुछ और वायरल डीएनए तो गए क्योंकि वायरस ने तो इन्फेक्ट किया ही था उसको, ठीक है। एंड ये होता है लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक साइकिल में होता है स्पेशलाइज्ड, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर इस क्रोमोसोम में ये जो फाज है, बैक्टीरियोफाज मतलब, ठीक है, मैं फाज मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे फाज, दैट इज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने इसको ये दिया है, अगर इसका डीएनए ये है तो इसका ये अपना डीएनए इसके अंदर रख लेता है और बहुत देर तक रख के रखता है जब तक ये, और फिर इसको बोलते हैं प्रोफाज स्टेज, ठीक है। एंड देन लास्ट में ये क्या करता है, बर्स्ट ओपन कर देता है और सेम चीज़ वही फॉलो होती है कि जैसे यहाँ पे इसने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ रिकम्बाइन किया था और आगे गया था, वैसे ही चला जाता है ये इसमें भी, ठीक है। बस स्पेशलाइज्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सोच समझ के जब इसका टाइम आता है इसको तब वो करना होता है चेंज, इसीलिए इसको बोलते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है, ओके। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्जुगेशन बिटवीन द कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इन इक्वलाइज सेल्स द सेल्स दैट कैन नॉट ट्रांसफर डीएनए इन टू द रेसिपेंट सेल्स आर, एच आर एफ करता है, एफ प्लस करता है, एफ प्राइम करता है, एफ माइनस तो लेता है अगर ये रेसिपेंट सेल ही है, ठीक है, तो मतलब ये देगा कैसे, इसमें तो है ही नहीं ना, ठीक है, मतलब ये रेसिपेंट है। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट वेरी इजी, इसमें देखते हैं, एक इंटरप्टेड मेटिंग करवाई है। इंटरप्टेड मेटिंग मतलब जीन जा रही थी, जीन जाते जाते एक टाइम पे बंद कर दिया, ठीक है। तो कितने माप्स, कितनी जीन्स गई, ये हम लोग टाइम से बता, मिनट से बताते हैं इन जीन मैपिंग, ठीक है। कितनी देर के लिए एफ प्लाज्मिड स्टे करता है, ठीक है, कितनी देर के लिए एफ प्लाज्मिड हमारा, सॉरी जो सेक्स पिलाए है वो हमारा है वहां पे, और कितनी जीन्स गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताया है कि एच एफ आर ये है, एफ माइनस ये है, अब ऐसे जाना है, ठीक है। तो पहले 10 मिनट में देखा कि ए पॉजिटिव चली गई, ए पहले में ए पॉजिटिव चली गई, फिर 20 मिनट्स में सी पॉजिटिव चली गई, देन 30 मिनट्स में बी पॉजिटिव भी आ गई है, राइट, 30 मिनट्स में ये भी आ गई है। जीन ऑर्डर बताना है, सिंपल सी बात है, ए सी बी, राइट, आगे बढ़े, सिंपल, ओके। सो यहाँ पे है हमारा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ओ माई गॉड, ठीक है, लेकिन इट्स वेरी इजी, लेट्स सी हाउ। आई हैव लॉस्ट माय कर्सर समवेयर, ओके सॉरी। सो द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डेटा फ्रॉम थ्री इंटरप्टेड मीटिंग, ठीक है, तीन इंटरप्टेड मीटिंग्स करवाई हैं एंड ये डेटा आया है हम लोगों के पास, ठीक है। अब हमें ऑर्डर ऑफ जीन बताना है, ऑर्डर ऑफ जीन देख लेते हैं एक बार क्या है। ई जी एच, ई जी बी डी सी एफ, ओके, एंड यहाँ पे एफ जी बी डी सी ई, ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इसका टाइम देखना है, सबसे पहले बी है, यहाँ पे बी आ रही है, बी के बाद डी आ रही है, डी के बाद सी आ रही है, सी के बाद एफ आ रहा है, राइट, तो ये तो सही है, बी डी सी एफ जी पॉजिटिव। अब ई कहाँ आएगा, डी सी एफ ई जी, एफ के बाद ई आ रहा है, टाइम देखो यहाँ पे, ये 63 है, ये 47 है, मतलब ई से पहले आएगा, है ना। अब देखते हैं 47 के बाद क्या है, हो तो गया ई जी बी डी सी एफ, राइट, ए तो है ही, ठीक है, चलो ऑर्डर तो पता चल गया, इजी है,
होपफुली समझ आ गया, 1 मिनट है, 6 मिनट है, 21 है, 31 है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, इसके अकॉर्डिंग भी सेम ही होगा, ठीक है। एक जीन इस तरीके से भी जा सकती है, अगर मैं बी डी सी एफ ई जी की बात कर रही हूँ, तो वो इस तरीके से भी जा सकती है, और अगर इसको इस तरीके से जाना है तो ये इस तरीके से भी जा सकती है, राइट। तो डिपेंड कर रहा है किस साइड जा रही है। ये एक और वो होता है इंटरप्टेड मीटिंग में, कि यहाँ पे हमारा एरो प्रेजेंट होता है, एंड एरो बताता है, एरो के पीछे वाली जीन्स बताती हैं कि हमारी जीन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अगर मैं एरो यहाँ पे लगा देती हूँ, इसी वाली, इसमें प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड हमारा सर्कुलर है, तो इसके पास दो वेज से ये जा सकती है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब एफ देख लेते हैं और जी देख लेते हैं, माइनस करते हैं कितना आया, 32, सही बोल रहे हैं। एफ एंड बी के बारे में देख लेते हैं, ये रहा एफ, बी गए, ये रहा बी, ये रहा एफ, बोल रहा है 30 मिनट्स, सही है 30 मिनट्स। ई एंड एफ का भी ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर ए सी डी। कैसे, सी एन ई, बी सब में है, मतलब ए ए करेक्ट है, तो ए वाला देख लो पहले, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है, तो हमारा ए सी डी ऐसे ही आंसर आ जाता है, ठीक है। मतलब एक, अगर ये सही है तो मतलब ये सही नहीं है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 5 बैक्टीरियल मार्कर्स दिए हैं, ठीक है, को कंडक्शन करवाया है इनका। को कंडक्शन कराने का मतलब कि साथ में भेजे इनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन के साथ क्या जा रहा है, गैल। यहाँ पे अब हम लोगों को अरेंज करना है अगर जीन्स को, तो आर्जिनिन के साथ गैल को जाना चाहिए, आर्जिनिन के साथ गैल को जाना चाहिए, ठीक है। गैल के साथ स्टाइरिन भी जाना चाहिए, गैल के साथ स्टाइरिन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे गैल के साथ आर्जिनिन जा रहा है लेकिन स्टाइरिन नहीं जा रहा, एसटीआर नहीं जा रहा, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट है कि ल्यूसीन के साथ स्टाइरिन को जाना चाहिए एंड मिथियोनिन को जाना चाहिए, ठीक है। ल्यूसीन के साथ स्टाइरिन को जाना चाहिए, ल्यूसीन के साथ स्टाइरिन को जाना चाहिए एंड मिथियोनिन को जाना चाहिए, ठीक है। आंसर हमारा यहीं से आ गया, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो, ल्यूसीन के साथ स्टाइरिन जा रहा है, यस, ल्यूसीन के साथ स्टाइरिन जा रहा है, सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। हियर अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन द एचएफआर एम पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, एल पॉजिटिव एंड स्टाइरिन सेंसिटिव, एफ माइनस है इन सबके लिए नेगेटिव एंड स्टाइरिन का लेस रेजिस्टेंस, इन विच ल्यूसीन एक्स कॉन्जुगेट्स आर सेलेक्टेड। ल्यूसीन वाले को सेलेक्ट किया है, मतलब ल्यूसीन वाला तो सब में प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। अब लीनियर ऑर्डर है इसका, ल्यूसीन, आर्जिनिन एंड मिथियोनिन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ल्यूसीन आर्जिनिन नहीं गया है और मिथियोनिन भी नहीं गया है, यस, क्योंकि ल्यूसीन गया है और आर्जिनिन और मिथियोनिन नहीं गया है, हाँ पॉसिबल है। अब ल्यूसीन गया है, आर्जिनिन गया है, मिथियोनिन नहीं गया है, मिथियोनिन नहीं गया है, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तीनों चले गए, वेरी गुड, हो सकता है। लेकिन सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है, किसकी होगी जिसमें आर्जिनिन नहीं जा रहा है और मिथियोनिन जा रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं, ग्राफ है, इंटरप्टेड मीटिंग दिखा रहा है, एच आर एफ वन है ये, ठीक है, एच आर एफ वन है ये, और ये है एच आर एफ टू, ठीक है। अब ये गैल पॉजिटिव है, हिस्टिडीन पॉजिटिव है, अच्छा आर्जिनिन पॉजिटिव, दिस इज आर्जिनिन पॉजिटिव, ल्यूसीन पॉजिटिव एंड गैल पॉजिटिव, मैं ऊपर से देख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। दिस इज आर्जिनिन पॉजिटिव, हिस्टिडीन पॉजिटिव, गैल पॉजिटिव एंड प्यूरीन पॉजिटिव, राइट। अब मेरे को इसका इंटरप्टेड मीटिंग के हिसाब से ऑर्डर ऑफ लोकाई निकालना है। स्टाइरिन तो सब में प्रेजेंट है, एसटीआर सब में प्रेजेंट है, उसको छोड़ दो। आर्जिनिन देखो, सबसे पहले आएगा आर्जिनिन, फिर क्यों, क्योंकि लेस देन 10 मिनट्स है, देन आएगा 10 मिनट्स वाला, दैट इज हिस्टिडीन, आर्जिन, हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन, ठीक है, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, ओके। देन आ रहा है 20 मिनट्स पे ल्यूसीन, एंड यहाँ पे आ रहा है 30 मिनट्स पे गैल, मतलब पहले 20 मिनट्स पे ल्यूसीन आएगा
और फिर ये आएगा, ये तो नहीं हो सकता, मतलब गैल इसमें पहले आ गया, टू आंसर है। नेक्स्ट, अब ये अब क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के। सो ट्रांसडक्शन क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि हम लोगों ने एक जीन को एक बैक्टीरिया से एक जीन उठा के हम लोगों ने इस दूसरे वाले जीन में डाल दिया, दूसरे वाले बैक्टीरिया में डाल दिया। अब अगर मेरा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लैक नेगेटिव कल्चर है मेरा, ठीक है, ऑफ इकोलाइको म्यूटाजेनाइज्ड कर दिया, ओके, ऑन व्हाट मीडिया वुड यू स्प्रेड द म्यूटनाइज्ड सेल्स टू सेलेक्ट लैक पॉजिटिव। अब मेरे को देखना है कि ये सारे के सारे नेगेटिव हुए कि नहीं हुए, तो लैक पॉजिटिव के लिए ग्रो पॉजिटिव को ग्रो कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिनिमल मीडिया दे के, अगर मैं मिनिमल मीडिया देती हूँ और मिनिमल मीडिया में मैं लैक का वो दे देती हूँ, मतलब लैक पॉजिटिव कर देती हूँ, ठीक है, लैक्टोज भी दे देती हूँ, मतलब जो लैक जो जिनके पास लैक नेगेटिव है वो तो ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास, ठीक है, लैक्टोज को डिग्रेड करने की एंजाइम मतलब ओपरॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जिनमें वो चीज प्रेजेंट है वो लैक्टोज को की एंजाइम्स को ट्रांसक्राइब कराएगा और ये ग्रो करेंगे, ठीक है। सो ये इजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम लोगों ने ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव जीनोटाइप्स को डोनर लिया है एंड ए माइनस बी माइनस सी को रेसिपेंट लिया है। ए ट्रांसडक्टेंट्स वर सेलेक्टेड एंड स्क्रीन्ड फॉर बी एंड सी, ए वालों को सेलेक्ट कर लिया है एंड बी एंड सी को देखना था। तो को ट्रांसडक्शन मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि ये दोनों साथ में गए थे, ठीक है। अब ए और बी की पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ए एंड बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए बी इसमें गया है, ए बी नेगेटिव, मतलब ए बी की निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, दिस इज 98 पे गया, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर 98 फॉर दिस एंड ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव एंड 68, ठीक है, टोटल नंबर व्हेन यू विल टोटल इट यू विल गेट 250, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 22%, ठीक है। अब देख लेते हैं बी एंड सी का, बी एंड सी किसमें है, इसमें नहीं है, बी एंड सी इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं गया है, बस इसमें गया है। तो अगर मैं बी एंड सी के लिए वो निकालती हूँ, इसको इंटू 100 भी करना है वरना परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है, अपॉन 750 इंटू 100 एंड दिस यू विल गेट 9% फॉर दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, डिवाइड करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि मतलब अगर क्वेश्चन आ गया ना, मतलब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया ना और अगर आप सॉल्व करने बैठे हो तो हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज कि एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द डीएनए अपटेक, डीएनए के अपटेक के बारे में एंड ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी के बारे में। सो यहाँ पे हम लोगों को टेबल देखो सीधे, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना, ये ए है बी है, ठीक है, हम लोगों को देख लिया हम लोगों ने, एंड हम लोगों ने देखा ए क्या है, ए ए ए के पास P32 है जीनोमिक डीएनए में और ये है हमारा जीनोमिक डीएनए, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। अब क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ P32 देखिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी देखिए, अब कौन प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म बी बैसिलिस, मतलब ए को ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें अलग अलग दे रखी है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस वैल्यूज बतानी है। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस सीक्वेंस, यस, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे अगर मेरा डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है कोई डीएनए और अगर मेरे प्लाज्मिड को इसको टेकअप करना है या फिर इस वाले बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को क्रोमोसोम को इसको लेना है अपटेक करना है तो यहाँ पे होमोलोगस सीक्वेंस पे ही वो करेगा, राइट, सो दिस इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज द सेल डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोलोगस एंड हेटरोलोगस सीक्वेंसेस फॉर द अपटेक ऑफ डीएनए. दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब मेरा डीएनए अगर इसको अपटेक करेगा तो वो ये थोड़ा ना देखेगा कि मेरा ये वाला मतलब जीन गया है कि नहीं गया है. ठीक है, वो ये होमोलोगस है तभी लूंगा और हेटरोजिनस है तब नहीं लूंगा. डीएनए अपटेक तो सेल ऐसे ही कर लेगा ना. ये मेरा सेल है, सॉरी ये मेरा सेल है. सेल के अंदर डीएनए का आना, ठीक है, एंड सेल के अंदर जाके इसका इस डीएनए का इसमें रिकम्बाइन करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट. ठीक है, ये डिफरेंस होता है रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट में. ठीक है, जहां पे डीएनए रिकम्बाइन हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट, जहां पे डीएनए रिकम्बाइन हुआ है. एंड जहां पे डीएनए सेल ने टेकअप किया है डीएनए को, सिंपली टेकअप द डीएनए, इसको हमने बोला है ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ओके, सो यहां से ए एंड बी सही हो गया. इजी है, ओके. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओ माय गॉड कितना मेहनत लगेगा इसको सॉल्व करने में. चलो देख लेते हैं. को ट्रांसडक्शन किया हुआ है सिलेक्टेड फॉर ए, सिलेक्टेड फॉर बी, ए को सब में सेलेक्ट कर रखा है. ठीक है, ए डी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए एंड डी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. निकालना क्या है, ऑर्डर निकालना है. ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं बी एंड सी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, बी एंड सी की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे देख लेते हैं सी एंड बी की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. सी एंड बी की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. बी एंड डी की भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब दिस. गॉट इट, ए डी बी सी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द लाइक अवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, बाय बाय. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड लव टू आंसर यू. बाय बाय.